फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अभी बोईसर हाईवे पे और बस आज की वीडियो की शुरुआत यहीं से कर दे रहा हूं। मैं कहीं जा रहा हूं, आपको पहुंचता तो दिखाता हूं। ये नीचे थोड़ा सा प्रोग्राम चल रहा है अभी, पता नहीं क्या आदिवासी लोगों को छोटा सा प्रोग्राम है, वो होने वाला भी हुआ नहीं है। तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ व्यू और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जहाँ पर आप अभी तक नहीं गए होंगे। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको लाल बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। तो चलिए तो शुरू करते हैं, आगे की तरफ अपना पड़ाव को शुरू करते हैं। पहुंच गया हूँ अभी, फिर अभी एरिया को पहचानते हैं तो मुझे पहचान के मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और नहीं पहचानते हैं तो फिर इंतजार करिए। मैं हूँ अभी विराज कंपनी जो मान में है उससे थोड़ा सा आगे निकला हूँ। बस ये आपको व्यू दिखा रहा हूँ पीछे का, पीछे पहाड़ जो इलाका है। और मैं एक लोकेशन पर पहुँचने वाला हूँ, अभी पहुँचा नहीं हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। और ये भी लोकेशन से मैं स्टक भी, अभी यहाँ पर कुछ थोड़ा चेंजेस हुआ है। चेंजेस क्या हुआ है, अगर आप पहले अगर यहाँ पर आए होंगे तो आप जरूर देखेंगे। पीछे की तरफ विराज कंपनी आएगा, थोड़ा सा आपको कुछ डस्टबिन दिख रहा होगा शायद। तो चले चलते हैं वो लोकेशन पे, मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, पर लोकेशन देख लीजिए उसके बाद जरा बात करते हैं। लोकेशन पे पहुँच गया हूँ, पहले तो आपको दिखा दूँ मैं, ये मेन रास्ता हाईवे और कुछ दिखा रहा हूँ क्या देखिएगा। ये जो मट्टी पीछे दिख रहा है ना पूरा ऊपर तक, ये लेवल तक पहले यहाँ पे मट्टी था, ठीक है। इसको कितना कट किया गया है देखो जरा, अभी आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कितना ज़्यादा कट किया गया है ऊपर से नीचे तक, पूरा लंबा चौड़ा कट किया है इसको। अब इसको बनाने वाले हैं हमारे साहब, अधिकारी साहब, ऐसा लोगों का मानना है और लोग कहते भी हैं, क्योंकि यहाँ पर डेवलपर वही है। और इन्होंने मंदिर है, बागवा मंदिर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मन्नत वाली मंदिर से इतना सुंदर बना दिया है ना कि देखने वाले भी देखते रह जाएंगे। और गाड़ियाँ बहुत शोर जोर शोर में आ रही है, थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, वायलेशन आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी कि गाड़ी ज़्यादा आ रही है। तो मैं आपको थोड़ा मंदिर का व्यू दिखा देता हूँ, ये मंदिर साइड में आ रहा हूँ मैं, ये मंदिर के प्रांगण में ही हूँ और बहुत ज़्यादा पूरा डेवलप कर दिया गया है इनको, मतलब इतना अच्छा बना दिया है ना कि अभी यहाँ पे आके एक फैमिली भी, और मतलब लोग बोलते हैं ना घूमने वाला इलाका, एक बाघोबा जो मंदिर है ना इतना ज़्यादा सुंदर बना दिया है ना, बहुत ही खूबसूरत बना दिया है इसको। एक बार आप आए, अगर बाघोबा मंदिर नहीं आए ना तो एक बार जरूर आए और व्यू जरूर देखे बाघोबा मंदिर का, टेम्पल का, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया गया है। ये सामने का इलाका देख लो, ये पूरा है, बगल में थोड़ा झाड़ वगैरह लगा दिया गया है। मैं यही दिखाना मेन इम्पोर्टेंट था, देख लो सामने से। मैं ये भी दिखाने का बहुत दिन से प्लान कर रहा था, क्योंकि काफ़ी लोग को नज़र नहीं आया है। बहुत सुंदर इसको बना दिया गया है, बहुत ही सुंदर। मॉर्निंग, अभी हम हैं डी मार्ट पहुँच चुका हूँ मैं, और डी मार्ट का ये बाहर का नज़ारा है। पार्किंग में भीड़ नहीं है अभी, तो थोड़ा सा कुछ थोड़ा नॉर्मल सा शॉपिंग करना है, तो देखते हैं जाके शॉपिंग करके डी मार्ट का कैसा क्या है। मैं भी बहुत दिन के बाद आया हूँ डी मार्ट, तो चलिए देखते हैं डी मार्ट जाके एक बार अंदर तरफ में, फिर मिलते हैं आपको, ठीक है।
डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस में ही आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ प्राइस। मैं चल रहा हूँ, सामने मेरे फाटक है, रेलवे फाटक, और मुझे जाना है मेरे दुकान पे, तो मैं दुकान की तरफ बस थोड़ा सा पटरी क्रॉस करके जाना पड़ता है। पटरी पे जब भी चले ना, पटरी पे जब भी चले तो उल्टा साइड चले। उल्टा साइड मतलब जिस तरफ से ट्रेन आने वाली है ना, उस ट्रैक की तरफ मूव करके चले। उससे फ़ायदा क्या होगा, सामने से जब ट्रेन आएगी ना तो आपको मालूम पड़ेगी। अगर बैक साइड से आप चलेंगे ना तो बैक साइड से आपका ट्रेन आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आके कब चली गई हो। इसलिए कभी भी ट्रेन आता है तो सामने की तरफ से चले, ट्रेन आएगा तो आपको दिखाई देगा, एक्सीडेंट होने का चांसेस कम रहते हैं, आप सेफली आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर आप रॉन्ग साइड से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रेन का बहुत स्मूथ आती है और आके कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको चले जाने का मतलब आपको उड़ा के चली जाएगी वो। ऐसे कई सारे एक्सीडेंट डेली होते हैं इस एरिए में, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो को मैं यहीं पर अंत करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और साथ साथ नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अनदर वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा छोटा था, लेकिन अभी नया नया भाई ब्लॉगर है तो भाई थोड़ा तो आप सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।